स्वाति सिंह। आज हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था शिक्षा मनोविज्ञान और साइकोलॉजी का, उसके अंदर आज हम नया अपना सब टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास, ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि इसके अंदर आपको वो सारी जानकारी मिल जाएगी, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि कौन कौन से दार्शनिकों ने अपने प्रयोग किए और किस पर प्रयोग किए, और वो शिक्षा मनोविज्ञान में किस रूप से हेल्पफुल हुए। यहाँ पे हम इस एजुकेशन जो है, अपनी शिक्षा जो है, जो हम स्कूलों में बच्चों को देते हैं, उसको अलग हटा के चलेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी के बारे में ही बात करेंगे कि उसके अंदर मनोविज्ञान में कौन कौन से शिक्षकों ने और दार्शनिकों ने अपनी प्रयोग रखे थे, वो इम्पॉर्टेंट है। जिसमें हमारे पहले दार्शनिक जो थे, जो ज़्यादातर दार्शनिक रहे हैं अभी तक के, वो ग्रीक दार्शनिक रहे हैं, ठीक है, ग्रीक और जर्मन ही रहे हैं। तो ग्रीक दार्शनिकों में जो सबसे पहले हमारे दार्शनिक थे वो थे डेमोक्रेटस। इसके अंदर जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आते जाएंगे, इम्पॉर्टेंट दार्शनिक आते जाएंगे, मैं आपको बताते हुए चलूँगी, उनको नोट कर लीजिएगा। जो हमारे फर्स्ट थे वो थे डेमोक्रेटिक्स। इन्होंने क्या कहा था कि व्यक्तित्व शिक्षा में घरेलू शिक्षा पर जोर दिया था। घरेलू शिक्षा से आप समझ रहे हैं, घरेलू शिक्षा वो होती है जिसमें बच्चों को अपने घर से शिक्षा प्राप्त हो। घरेलू शिक्षा में, मैंने आपको कल जब मनोविज्ञान के बारे में जो उसकी परिभाषाएं दी थी और दार्शनिकों के बारे में बताया था, तो मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि घरेलू शिक्षा होती है जो हमें घर से शिक्षा प्राप्त होती है। बच्चे की जो पहली शिक्षा होती है वो घर से हमें मिलती है, ठीक है, वो किसी भी रूप में मिल सकती है, या तो हमें अपने माता पिता के रूप में मिल सकती है, या बाकी जो हमारे दादा दादी आस पड़ोसी किसी से भी हम किसी प्रकार की भी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक्स जो थे उन्होंने क्या कहा था कि घरेलू शिक्षा पर जोर दिया था बच्चे का, कि अगर माँ से ही पहले से ही बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रदान की जाएगी तो बच्चा आगे चलकर उन्हीं पॉजिटिव वेज के थ्रू अपना अच्छा डेवलपमेंट कर पाएगा, ओके। तो इसमें सेकंड दार्शनिक थे हमारे अरिस्टो और प्लेटो, इम्पॉर्टेंट है, आपको पता ही है हमारे इसमें मनोविज्ञान में सबसे इम्पॉर्टेंट और जो दार्शनिक हैं उनमें से अरिस्टो और प्लेटो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मनोविज्ञान के कुछ नियम और सिद्धांतों पर बल दिया था, कुछ नियम व सिद्धांतों पर बल दिया था। इन्होंने साइकोलॉजी के कुछ लॉज और कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए थे जिस पर जोर दिया गया था, जिसमें कुछ चीज़ें थी जैसे चरित्र शिक्षा के बारे में बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए, और शिक्षण विधियों का प्रयोग किया गया था कि कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करके हमें बच्चे को समझ सकते हैं, हम उनके व्यवहार को जान सकते हैं, या जिस प्रकार की बच्चा समस्या अपने सामने पा रहे हैं उसका निवारण कर सकते हैं। तो क्या कहा था अरिस्टो और प्लेटो जी ने कि मनोविज्ञान में कुछ ऐसे नियम और सिद्धांत होने चाहिए जिसके द्वारा हम क्लासरूम टीचिंग को इफेक्टिव बना सके, और क्लासरूम में या एनवायरनमेंट में भी अपने इस प्रकार की शिक्षा कर सके कि बच्चे को समझते हुए उसके सामने जो चीज़ें मुश्किल आ रही हैं उनका निवारण करते हुए उसको शिक्षा प्रदान की जाए, ठीक है। एक और बात इसमें जो इसका सेकंड पॉइंट है, ये इसका था फर्स्ट पॉइंट, इसमें जो सेकंड पॉइंट है, इन्होंने मस्तिष्क के संकेय सिद्धांत यानी कि फैकल्टी थ्योरी, संकेय सिद्धांत यानी कि फैकल्टी थ्योरी के बारे में भी नियम दिए थे कि जो बच्चे का मस्तिष्क होता है ना, यानी कि माइंड होता है, उसके अंदर जो क्रियाएं चल रही होती हैं, जो सिद्धांत होते हैं, या फिर जो एक ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे बच्चे का छोटे से लेके बड़े तक की जो मानसिक क्रियाओं का परिवर्तन होता है, उस पर जोर दिया था कि संकेय सिद्धांत के बारे में एज अ टीचर आपको बच्चे को समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि बच्चा आज कौन सी स्टेज पर है, किस तरह की सिचुएशन में है, उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन चल रहे हैं, उसकी मानसिक क्रियाएं क्या परिवर्तित हो रही हैं।
तो इसीलिए अरस्तु और प्लेटो ने नियम व सिद्धांत और सेकंड पॉइंट संख्या सिद्धांत यानी कि फैकल्टी थ्योरी पर जोर दिया था। इसमें हमारे थर्ड थे रूसो। रूसो जी ने भी अरस्तु और प्लेटो को पॉजिटिव वे में उसका प्रतिपादन किया, उन्होंने इसको सपोर्ट किया रूसो जी ने भी, क्योंकि नियम और सिद्धांतों के बारे में भी रूसो जी ने कहा था। और उन्होंने क्या कहा था कि मानव विकास जो है वो पूर्ण रूप से नियमों और सिद्धांतों पर होना चाहिए। क्या कहा था रूसो जी ने कि मानव सिद्धांत क्या है, मानव विकास नियमों पर आधारित है, नियमों पर आधारित। अब नियमों पर आधारित कैसे कहा उन्होंने, देखिए नियमों पर आधारित ऐसे कहा कि जो भी मानव विकास होता है ना हमारा स्टेज बाय स्टेज, अब ऐसा तो नहीं है ना आज बच्चा पैदा हुआ वो आप देखेंगे कुछ समय के बाद एक साल के बाद वो डायरेक्ट 10 साल का हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। हर एक जो स्टेज आती है शैशव व्यवस्था, बाल्य व्यवस्था, किशोर व्यवस्था, प्रौढ़ व्यवस्था, वो सारी स्टेजेस को ही क्रॉस करके बच्चा आगे बढ़ता है, अपना विकास करता है। तो हमारे पास कुछ नियम दिए गए हैं पहले से ही कि इस उम्र में बच्चे को ये चीज़ें फेस करनी है, इस उम्र में ये चीज़ करेगा। आपने कोई बच्चा ऐसा देखा है कि पैदा होते ही वो बोलने लगता है, भाषा आती है उसको? नहीं, क्योंकि सभी के लिए क्या है, वो फॉरेन कंट्रीज में हो इंडिया में हो, जो प्रकृति का नियम दिया गया है उसी के अनुसार मनोविज्ञान के भी कुछ नियम निर्धारित हैं कि बच्चा इस स्टेज को पार करेगा ही करेगा, क्या है वो सुपीरियर हो इन्फीरियर हो कैसा भी बच्चा हो उससे कोई मतलब नहीं है, सभी बच्चे को सभी स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ती है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ रूसो की एक बहुत इम्पॉर्टेंट और काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक थी इमाइली। इसमें क्या कहा था, इसके अंदर इन्होंने रूसो जी ने जो ये पुस्तक प्रकाशित की थी, ये इम्पॉर्टेंट है, लास्ट GSSB के एग्जाम में पूछा गया था कि इमाइली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसके जो राइटर है साइकोलॉजिस्ट हमारे रूसो हैं। ठीक है, तो इमाइली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, रूसो जी के द्वारा। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें मनोविज्ञानिक के सिद्धांत और नियमों पर बल दिया गया है जो हमारे अरस्तु और प्लेटो जो ने भी कहा था, क्योंकि रूसो जी ने भी उन्हें ही सपोर्ट किया था। उसके बाद आते हैं हमारे जॉन लॉक। अब आते हैं हमारे जॉन लॉक, जो हमारे फोर्थ हैं वो हैं जॉन लॉक। इन्होंने क्या कहा था, जॉन लॉक जी ने, यह एक अनुभववादी थे, जो जॉन लॉक हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध एक अनुभववादी थे। इन्होंने संख्य सिद्धांत यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया कि अरस्तु जी ने जो फैकल्टी थ्योरी दी थी संख्य सिद्धांत, उसका विरोध करते हुए इन्होंने शिक्षा का औपचारिक सिद्धांत दिया था। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा गया है। शिक्षा का औपचारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, जॉन लॉक जी के द्वारा दिया गया था। और इसमें बात क्या कही गई थी कि ये जो शिक्षा का सिद्धांत और शिक्षा का औपचारिक सिद्धांत दिया गया है, जॉन लॉक जी के द्वारा कहा गया था कि बच्चों के समक्ष कुछ ऐसी चीज़ें रखी जाएं जिनका उनका जितना भी उनका माइंड लेवल है ना, मेंटल लेवल है, उससे ऊपर ही रखा जाए। अगर बच्चे का मेंटल लेवल 40 या 50 के बीच का है तो बच्चे के सामने शिक्षा के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें रखी जाएं पढ़ने के लिए, या शिक्षा का स्तर जो हो वो उससे ऊपर ही हो। अगर 40 या 50 बच्चे का मेंटल लेवल है तो बच्चे के सामने 55 और 60 के बीच की चीज़ें शिक्षा का स्तर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, वो तो हाई हो गया, बच्चे का मेंटल लेवल तो आपका 40 और 50 है, तो बच्चा 55 और 60 के IQ लेवल के हिसाब से कैसे पढ़ेगा। वो इसीलिए कहा था उन्होंने कि बच्चे का उससे माइंड शार्प होगा। अगर बच्चे को पहले ही कुछ ऐसी चीज़ें सिखा दी जाए, मुश्किल चीज़ें, जिससे बच्चे का माइंड शार्प हो जाए, तो जो इजी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बच्चा सरलता से सीख लेगा, उसमें बच्चे को कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो इसके अंदर क्या कहा था कि शिक्षा का औपचारिक सिद्धांत के अनुसार
बच्चे का जो शिक्षा का स्तर है वो थोड़ा बच्चे के मानसिक स्तर के अनुसार थोड़ा ऊंचा रखा जाए, और उसके अंदर बच्चे को जैसे ग्रीक भाषा थोड़ी मतलब मुश्किल होती है, लैटिन भाषा या गणित, साइंस, इस तरह के क्या है सब्जेक्ट जो थोड़े मुश्किल हैं पहले से बच्चे को सिखाए जाए। इससे क्या होगा, बच्चा जैसे मैथ्स है, मैथ्स के सम सॉल्व करता है तो उसका दिमाग चलता है, वो खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो उससे बच्चे का माइंड ऑटोमेटिकली शार्प हो जाता है। अगर फिर उसके बाद बच्चे को हिंदी पढ़ने के लिए दिया जाए या इंग्लिश जो लर्निंग सब्जेक्ट है, थ्योरिटिकल है, तो वो क्या है, बच्चा इजीली पढ़ लेगा, उसमें उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत महसूस नहीं होगी। फोर्थ हमारे जॉन लॉक थे, शिक्षा का औपचारिक सिद्धांत दिया, ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आए थे हमारे पेस्टोलॉजी, इन्होंने क्या कहा था कि बच्चों को तो पढ़ाना ही है, बच्चों को तो शिक्षा प्रदान करनी है, उसके लिए तो हम साइकोलॉजी मनोविज्ञान में इतने सारे नियम और सिद्धांत वगैरह सब कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग होनी ही चाहिए। इसके अंदर पेस्टोलॉजी ने यह कहा था कि शिक्षक परीक्षण के विकास के लिए, मतलब शिक्षा के विकास के लिए शिक्षक परीक्षण भी प्रभावकारी है। अगर हम टीचर्स को भी क्रांतिकारी रूप से, अब मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे पहले के स्कूल्स हुआ करते थे मदरसे और गुरुकुल वगैरह, उसमें क्या था, उसमें सिर्फ नॉलेज बेस्ड चीज़ें थी कि आप क्लास में आ गए, आपको सिर्फ ज्ञान प्रदान करना है और ज्ञान दिया और ठीक है। उसमें आपके लिए वो कैसे ज्ञान प्रदान कराते थे, या तो आपको कोई अगर प्रैक्टिकल टाइप है तो करके दिखा दिया, या वरना ओरली आपको बोल के समझा देते थे। उसमें कोई और इनोवेशंस या किसी प्रकार के प्रतिपादित नहीं किए गए थे, लेकिन पेस्टोलॉजी के अनुसार उन्होंने कहा था कि टीचर्स को ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, उनको ऐसी विधियों का ज्ञान होना चाहिए, ऐसे सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए जो बच्चों के लिए असरकार हो। मतलब अगर आप किसी बच्चे को किसी प्रॉब्लम में देख रहे हैं तो आप उसको समझते हुए किन्हीं विधियों और सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए उस बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ताकि बच्चा इजीली आपके साथ फ्रेंक भी हो, अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और बच्चे को किसी प्रकार की दुविधा का संभव मतलब एहसास भी ना हो। तो इसीलिए पेस्टोलॉजी ने टीचर ट्रेनिंग के बारे में कहा था। और इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य व्यक्तियों की क्षमता को जगाना, मतलब पेस्टोलॉजी ने कहा था कि टीचर ट्रेनिंग तो होनी ही चाहिए। इसके बाद शिक्षा का जो उद्देश्य रखा था कि शिक्षा ऐसी देनी चाहिए बच्चों को जिसमें बच्चों की यानी कि व्यक्तियों की क्षमताओं को जगाना हो, व्यक्तियों की क्षमताओं को जगाना। इसके अंदर क्या कहा था कि जो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी है, चीज़ें हैं, टैलेंट है, उसको बाहर निकालना, बच्चा खुद इतना एक्टिव हो, खुद इतना मोटिवेटेड हो हर चीज़ के लिए कि बच्चे को किसी चीज़ के लिए फोर्स ना करना पड़े, बच्चा खुद अपनी क्षमताओं को समझे कि उसके अंदर क्या टैलेंट है, क्या क्रिएटिविटी है, उसको बाहर निकाल के लेकर आए और सबके सामने समक्ष रूप से रखे, और बेहतरीन क्षमताओं का विकास करना। दूसरा था बेहतरीन क्षमताओं का विकास करना। बेहतरीन क्षमताओं का विकास करना। इसके अंदर क्या कहा था, इसके अंदर कहा था कि बेहतरीन क्षमताओं का बच्चे के अंदर विकास कैसे किया जा सकता है। अब आपको भी पता है सब ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं, ज़्यादा सुपीरियर नहीं होते हैं, या ज़्यादा टैलेंट नहीं होता है किसी में, कुछ बच्चे मीडियम भी होते हैं जो अपना स्टडी की पास हो गए नॉर्मल मार्क्स लेके और आगे का अपना देख लेते हैं कि स्टडीज़ करनी है कि कोई करियर सेट करना है उस सब चीज़ों में, लेकिन स्कूल में उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड्स कराई जाए ताकि वो बच्चे जिनमें कोई टैलेंट भी ना हो लेकिन ऐसी गतिविधियाँ ऑर्गेनाइज कराई जाए, ऐसी चीज़ें या एक्टिविटीज़ रखी जाए ताकि वो बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व हो। जैसे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं,
और छोटे मोटे हम कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करवा देते हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, बच्चे को पूरी क्लास के साथ इन्वॉल्व करके कुछ चीज़ों के एक्टिविटीज़ के थ्रू उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी डेवलप की जा सकती है। ओके, ये हमारे पेस्टोलॉजी ने कहा था। इसके बाद 18वीं शताब्दी में जर्मन दार्शनिक आए। ये हमारे सारे कौन से दार्शनिक चल रहे थे अब तक के, ये सारे ग्रीक दार्शनिक चल रहे थे, अब आए जर्मन दार्शनिक 18वीं शताब्दी में, जिसमें हमारे आए थे जर्मन दार्शनिक में जोहन हर्बर्ट। अब जोहन हर्बर्ट ने क्या कहा था कि जोहन हर्बर्ट ने शिक्षा के अंदर मतलब ऐसे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए जिसमें बच्चों की अभिरुचि हो, इंटरेस्ट हो। अगर बच्चे को हम इस प्रकार की शिक्षा देते हैं जिसके अंदर बच्चों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो बच्चे ना तो उसको समझेंगे ना वो उसके लिए भविष्य में लाभकारी होगी। तो इसीलिए उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एकेडमिक रिकॉर्ड्स के लिए आप रख सकते हैं, लेकिन वो बच्चे के किसी भी प्रकार के समायोजन में फ़ायदेमंद नहीं है। ना तो वो उसके व्यवसाय में है, ना उसके समाजीकरण में है, ना उसके इंटरेस्ट में है, उसके मानसिक लेवल के अकॉर्डिंग भी वो नहीं है। अब मान लीजिए किसी बच्चे को डांसर बनना है, आप ज़बरदस्ती उस पर फोकस करवाए कि नहीं आपको डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, जब उसका इंटरेस्ट ही डांसर बनने में है तो वो डॉक्टर की जो पढ़ाई है ना तो उसको इंटरेस्ट से पढ़ेगा ना समझेगा, क्या पता वो मतलब प्रेशराइज होकर उसको पढ़ ले और केवल इतने मार्क्स अचीव कर ले कि वो पास हो गया, उसको डिग्री मिल गई और वो अपना आगे का व्यवसाय उसमें शुरू कर दे। लेकिन बच्चा उससे क्या है, पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं उदासीन रहेगा, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई सैडनेस पॉइंट रहेगा ही कि मेरा इसमें इंटरेस्ट था, मैंने नहीं किया। तो इसीलिए जॉन हर्बर्ट ने क्या कहा कि शिक्षा एक ऐसी चीज है मनोविज्ञान के थ्रू हमें बच्चों की शिक्षा तो प्रोवाइड कराई जाएगी, जो उसके अंदर शिक्षा में बच्चों की अभिरुचि का ध्यान रखना चाहिए, अभिरुचि का ध्यान रखना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट को देखना चाहिए कि बच्चे का किस में इंटरेस्ट है। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था, इसके बाद आए थे हमारे दूसरे जर्मन जो फिलोसोफर थे, वो थे हमारे फ्रोबेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर इन्होंने एक विधि दी थी, आपको शायद पता हो, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। इन्होंने क्या था, पढ़ाने की नई पद्धति या नई विधि का निर्माण किया था जिसे किंडरगार्टन विधि कहते हैं। कि क्या कहते हैं, किंडरगार्टन विधि, वो हमारे किसके द्वारा दी गई थी, फ्रोबेल के द्वारा, किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि किसके द्वारा दी गई थी, फ्रोबेल के द्वारा। इसके प्रतिपादक कौन है, फ्रोबेल है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि किंडरगार्टन विधि किसके द्वारा दी गई थी, फ्रोबेल के द्वारा। अब इस विधि के अंदर क्या कहा गया था, जो फ्रोबेल जी थे उन्होंने क्या कहा था, किंडरगार्टन पढ़ाने की एक नई विधि दे दी, जैसे बाकी विधि है कि हम बच्चों को एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ा सकते हैं साइंस में, कि जो लैब में ले जाएं, एक्सपेरिमेंट करें, उनके सामने वो विजुअल करेंगे, हियरिंग करेंगे, तो उससे क्या होगा, अच्छे से उनको समझ आएगा और उसको परमानेंट नॉलेज में उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऐसे ही फ्रोबेल ने अपने द्वारा एक किंडरगार्टन विधि दी थी। इसके अंदर क्या कहा था कि बच्चों के जो अर्लियर एक्सपीरियंसेस हैं, प्रीवियस नॉलेज है, उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाए। मतलब किंडरगार्टन विधि के अंदर जो प्रारंभिक अनुभूतियों के ऊपर महत्व डाला था, अर्लियर एक्सपीरियंस, इसको याद रखना, पूछ लेते हैं एग्जाम में कि किंडरगार्टन विधि के ऊपर किस पर जोर दिया गया था, अर्लियर एक्सपीरियंस के ऊपर जोर दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई बार देखा होगा कि अगर किसी बच्चे को स्कूटी चलानी सीखनी है तो उससे पूछा जाता है आपको साइकिल चलानी आती है, क्यों, क्योंकि स्कूटी और साइकिल का आप सोचते होंगे संबंध क्या है, वो तो ऑटोमेटिक है, मोटर गियर से चलती है, और उसमें जो साइकिल है उसमें पैर मारने पड़ते हैं, उनका संबंध क्या है, नहीं, उन दोनों का जो संबंध है वो है बैलेंस का। साइकिल जब भी चलाते हैं हम तो उसमें हमारे हैंड्स मूवमेंट देखी जाती है कि आप कितना बैलेंस रख पाते हैं, और वही चीज़ आपकी स्कूटी में है कि वहाँ पे भी आपका बैलेंस मेंटेन होना ज़रूरी है। तो इसीलिए
किंडरगार्टन विधि के अकॉर्डिंग अगर आप किसी बच्चे को साइकिल चलानी आती है तो वो इजीली किया है आ स्कूटी चलाना सीख सकता है। तो उससे क्या हुआ, उसके जो अर्लियर एक्सपीरियंसेस थे, मतलब उसने बचपन में साइकिल चलानी सीखी थी, बड़ा हो गया 18 साल के बाद क्या है वो इजीली स्कूटी चलानी भी सीख लेगा, क्योंकि उसको पहले के जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं वो उसको पॉजिटिव ट्रांसफर कर रहे हैं उसके न्यू एक्सपीरियंस लर्न करने में। ओके, और जैसे किसी बच्चे को हम स्टार्टिंग से ही मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, प्लस हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर किसी बच्चे को ये आते हैं प्लस माइनस डिवाइड वगैरह, तो आप बच्चे को क्या है इजीली बोर्ड मार्क्स का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। उसको सिर्फ अरेंज कैसे करना है वो आपको बच्चे को सिखाना है, तो वो नया उसका अनुभव होगा, लेकिन उसके ये अर्लियर एक्सपीरियंसेस यानी कि जो उसने पहली क्लास से 10वीं क्लास तक 8वीं क्लास तक सीखे हैं, और जब वो नया कोई एक्सपीरियंस लर्न करने बैठेगा बोर्ड मार्क्स का, तो उसके लिए ये वहाँ पे हेल्पफुल होंगे। तो उसके अर्लियर एक्सपीरियंस क्या है, न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस में हेल्पफुल होंगे। तो किंडरगार्टन विधि के अनुसार यही कहा गया है कि आपको ऐसी चीज़ें हमें बच्चे को पढ़ानी चाहिए जो उसके अर्ली एक्सपीरियंस को उसके न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस में हेल्प करें। ओके, इसके बाद आते हैं हमारे फ्रांसिस गाल्टन, इसके बाद हमारे आते हैं फ्रांसिस गाल्टन। इन दार्शनिकों ने कहा था, इन्होंने हर व्यक्ति के इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर ध्यान दिया था, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी बच्चे की व्यक्तित्व विभिन्नता पर ध्यान नहीं देते हैं तो मतलब आपकी एजुकेशन पूरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है। ऐसा नहीं है जैसी मैं हूँ वैसे ही आप हो, वैसे ही आपके फ्रेंड हो, वैसे ही आपके मॉम डैड हो, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, हर किसी बच्चे के अंदर अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर किसी का आईक्यू लेवल अलग होता है, सीखने का मानसिक स्तर अलग होता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है, अगर मैं आपको ये सिखा रही हूँ तो क्या पता कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जो एक ही बार वीडियो को देखे और समझ आ जाए, ऐसे भी हो सकते हैं जो दो बार प्ले करके देखे समझ आ जाए, ऐसे भी हो सकते हैं कि जो चार बार प्ले करने के बाद भी समझ ना आए। तो इसीलिए हर किसी के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, हमारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और जो सोशल है, नैतिकता है, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर कोई शारीरिक यानी कि फिजिकल रूप से अलग होता है, मेंटली यानी कि आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग अनुरूप के अनुसार क्या डिफरेंट होता है, और साइकोलॉजिकल भी अनुरूप के अनुसार वो डिफरेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, बच्चा हर जो बच्चा पैदा होता है वो अपने आप में कोई ना कोई व्यक्तिगत भिन्नता लेकर पैदा ही होता है, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो जो हमारे फ्रांसिस गाल्टन थे उन्होंने व्यक्तिगत भिन्नता पर जोर दिया था, जिसके कारण मानसिक क्षमता को मापने का एक प्रतिपादक आया था। मतलब फ्रांसिस गाल्टन ने जब व्यक्तिगत भिन्नता पर जोर दिया तो बाकी दार्शनिकों का, बाकी लोगों का मानसिक क्षमता को मापने की ओर ध्यान गया। कि सही बात है, अगर सबके अंदर व्यक्तिगत भिन्नता होती है यानी कि सबका आईक्यू लेवल, मेंटल लेवल अलग है, तो क्यों ना ऐसी चीज़ें रखी जाए, ऐसे परीक्षण किए जाए जिससे हम बच्चों के या व्यक्तियों के मानसिक लेवल को जांच सके, किसका आईक्यू लेवल 10-20 है, किसका 20-30 है, किसका 30-40 है, क्या है सबके आईक्यू लेवल अलग होंगे। जैसे ये बिल्कुल मतलब लो कैटेगरी में आता है कि बहुत धीरे सीखता है, ये मिडल कैटेगरी में आता है कि समानता से सीखता है, अगर मैंने कोई चीज़ सिखाई है तो आप बिल्कुल समान रूप से सीख रहे हैं, ये बहुत हाई उसमें आते हैं कि मैंने कोई चीज़ आपको बताई तो एक बार में ही सीख गए, आपको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसीलिए जो ये कैटेगरी डिवाइड की गई है, तो इन्होंने जब गाल्टन जी ने व्यक्तिगत भिन्नता पर जोर दिया था तो बाकी दार्शनिकों का इस ओर ध्यान गया कि मानसिक क्षमता को जांचने के लिए कोई ना कोई जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो परीक्षण हैं, वो प्रतिपादित किए जाएं जिससे हमें व्यक्तिगत भिन्नता को अच्छे से समझने में हेल्पफुल हो। ओके, इसके अंदर
इसीलिए गाल्टन जी के द्वारा पहला मनोवैज्ञानिक परीक्षण का निर्माण किया गया। गाल्टन जी के द्वारा क्या था, पहला मनोपरीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण मींस साइकोलॉजिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट का निर्माण किया गया, जिसमें उन्होंने जोर दिया था कि बुद्धि का मापन संवेदिक क्षमताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। संवेदिक क्षमताओं के आधार पर आप क्या समझ रहे हैं, संवेदिक क्षमताएं इस प्रकार होती हैं कि जब भी बच्चे का मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाए तो जो उसके दिमाग में चल रहा है, जो उसके प्रीवियस थे, जो उसके करंट हैं, जो उसके आप अनुमान लगा सकते हैं एक प्रकार का कि उसके फ्यूचर में होंगे, उस रूप में किया जाए। ओके, गाल्टन जी के 2 पॉइंट समझ आ गए, व्यक्तिगत भिन्नता पर जोर, और इसीलिए उन्होंने जो फर्स्ट मनोवैज्ञानिक परीक्षण का प्रतिपादित किया था उन्होंने। इसके बाद आते हैं हमारे जी स्टेनल हॉल। जी स्टेनल हॉल ने क्वेश्चनिंग, प्रश्न वाली, यानी कि प्रश्न वाली क्वेश्चनिंग के द्वारा बच्चे को समझने में महत्व दिखाया। इन्होंने क्या कहा था कि बच्चे के व्यवहार को समझने के लिए उससे क्वेश्चनिंग की जाए, यानी कि प्रश्न वाली की जाए, तो बच्चे के व्यवहार को हम आसानी से समझ सकते हैं। अब उन्होंने कैसे कहा था इसमें, फॉर एग्जांपल आपके सामने 10 स्टूडेंट्स हैं, आपने क्लासरूम में पूछा बच्चों आपको क्रिकेट पसंद है कि वॉलीबॉल, सबने क्या अपना अपना इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको बता दिए, अपना इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट है बता दिया, तो किसके माध्यम से बताया, क्वेश्चनिंग के माध्यम से बताया। तो अगर आपसे पूछे ना क्वेश्चनिंग विधि, यानी कि प्रश्न वाली विधि किसके द्वारा प्रतिपादित है, वो हमारे जी एस स्टेनल हॉल के द्वारा प्रतिपादित है। ठीक है, इन्होंने प्रश्न वाली पर जोर दिया था। इसके बाद हमारे नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंट विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, में इन्होंने एक श्रृंखला प्रकाशित की थी, टॉक्स टू टीचर, इम्पोर्टेंट है टॉक्स टू टीचर्स। इसमें पूछा जाता है कि टॉक्स टू टीचर्स किसके द्वारा दी गई थी, अब श्रृंखला प्रकाशित की गई थी, विलियम जेम्स के द्वारा टॉक्स टू टीचर्स की एक श्रृंखला प्रकाशित की गई थी, जिसके अंदर बच्चों को शिक्षित करने के लिए कुछ टीचिंग स्टेप्स, यानी कि शिक्षण और अधिकम के द्वारा, अधिकम पे ध्यान दिया गया था। विलियम जेम्स के द्वारा टॉक्स टू टीचर में क्या कहा गया था कि बच्चों को सिखाने के लिए कुछ टीचिंग, जो आपकी विधियां हैं, जो लॉज हैं, जो नियम हैं, उन पर ध्यान दिया गया था, और अधिकम यानी कि लर्निंग पर ध्यान दिया गया था कि मनोविज्ञान के प्रेक्षण को इस प्रकार से प्रतिपादित किया जाए कि वो डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग लर्निंग और जो इफेक्टिव हो रही है उसमें नियम और अधिकम जो आपकी विधियां हैं उनको प्रतिपादित किया गया था। विलियम जेम्स ने टॉक टू टीचर्स के बाद एक और पॉइंट इसमें रखा था, ज्ञान का स्तर। उन्होंने भी यही बात कही थी, ज्ञान का स्तर, विलियम जेम्स ने भी कहा था कि ज्ञान का स्तर बच्चों का क्या है, उनके मस्तिष्क से, मस्तिष्क पर अधिक बल, यानी कि माइंड पर थोड़ा प्रेशर डाले, तो इसीलिए जो मस्तिष्क के लेवल के अकॉर्डिंग ज्ञान का स्तर थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, जिससे बच्चा अपने आप में एक्सपर्ट हो सके। अब आते हैं हमारे जॉन डीवी। जॉन डीवी ये भी इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने मनोविज्ञान के व्यवहारिक उपयोग पहलू पर ध्यान दिया था। मतलब जो हमारे जॉन डीवी हैं वो व्यवहारवादी हैं, उन्होंने व्यवहारिक उपागम जो हैं, जो बच्चों के व्यवहार हो रहा है, बिहेवियर एक प्रेसेंस है, उन पर ध्यान दिया था। और इन्होंने 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में अपना पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला रखी। याद रखिएगा 1894 में जो इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय के अंदर की बात हो रही है कि इन्होंने कब रखी थी, शिकागो
विश्वविद्यालय के अंदर पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला रखी थी? ओके, तो जो हमारे जॉन डीवी जी थे वो एक व्यवहारवादी थे, उन्होंने व्यवहारगम उपागम पर जोर दिया था। 1894 में इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में अपनी मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला रखी थी। उसके बाद इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में बहुत सारे प्रयोग किए थे, जिस पर इन्होंने बच्चे को, यानी कि मनोविज्ञान के अंदर बच्चे को कैसे टीच किया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, उसके लिए तीन प्रिंसिपल्स दिए, तीन चीज़ें दी। उसमें फर्स्ट है हमारा एक्टिव लर्नर। जॉन डीवी ने यह कहा था कि क्लासरूम टीचिंग के अंदर बच्चे को एक्टिव रखना चाहिए, एक्टिव लर्नर होना चाहिए, पैसिव लर्नर नहीं होना चाहिए। एक्टिव लर्नर मीन्स अगर टीचर बच्चे को कुछ पढ़ा रही है, कुछ समझा रही है, तो ये नहीं बच्चा बैग पीछे बैठ के आगे बैठ के सो जाए, गुम हो जाए, या उसने कुछ पढ़ लिया तो समझ लिया और ठीक है आपकी क्लास खत्म हो गई आप चले गए। नहीं, एक्टिव होना चाहिए कि आप उससे बीच बीच में क्वेश्चनिंग करते रहो, क्वेश्चंस पूछते रहो। अब मैंने आपको ये पढ़ाया तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कोई क्वेश्चन इसको रब करने के बाद कि जॉन डीवी ने कब शिकागो में अपनी पहली प्रयोगशाला रखी थी, तो आप इजीली बता देंगे कि 1894 में रखी थी। मीन्स आप एक्टिव लर्नर हुए कि आपने उसको समझा, लर्न किया और रिस्पॉन्स किया। तो एक्टिव लर्नर वो होते हैं जो क्लासरूम टीचिंग के अंदर रिस्पॉन्स करे, या बाहर में अगर आप पढ़ा रहे हैं, मतलब ओपन एनवायरनमेंट में भी पढ़ा रहे हैं, कहीं पर भी कोई भी टीचिंग हो, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, जो आपसे सीख रहे हैं, वो एक्टिव होने चाहिए, पैसिव नहीं होने चाहिए। तो आपको किसी भी प्रकार की आप शिक्षा प्रदान करा रहे हो, बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान कराई जाए कि वो एक्टिव लर्नर बने, इस तरह से प्रदान कराई जाए कि वो एक्टिव लर्नर बने। क्योंकि कई बार जो शिक्षक होते हैं वो इतनी बोरियत तरीके से और सिर्फ रट्टाफिकेशन टाइप पढ़ा के चले जाते हैं, क्योंकि उनका काम क्या होता है, ज्ञान प्रदान करना, नॉलेज के देना। लेकिन हमेशा टीचिंग इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाने चाहिए जिससे बच्चा इंटरेस्ट ले। अगर मैं एक पेज पकड़ के खड़ी हो जाऊं और आपको बोल बोल के किताबी भाषा बस पढ़ के सुना दूं, तो आप भी मेरे जो आप चैनल देख रहे हैं यूट्यूब का, आप उसको भी देख के स्किप कर देंगे कि बोरियत हो रही है, मन नहीं लग रहा, आप स्किप कर देंगे। लेकिन अगर मैं आपको विद एग्जांपल्स कोई किसी चीज़ का प्रयोग करते हुए समझाऊंगी तो आप भी क्या होंगे, वहाँ पर एक्टिव रहेंगे। तो इसीलिए जॉन डीवी ने क्या कहा था कि एक्टिव लर्नर हमें क्लासरूम में रखने चाहिए, इस प्रकार की शिक्षा प्रदान कराई जाए। उसके बाद उन्होंने कहा था कि बच्चे को सेकंड पॉइंट यानी कि प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया जाए, प्रॉब्लम सॉल्वर। अब बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बनेगा? अगर क्लासरूम टीचिंग ही आपकी इतनी इफेक्टिव होगी कि बच्चा वहाँ पे सुन रहा है, समझ रहा है, तो उसकी जो डेली लाइफ की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंगी ना, वो उसको खुद ही सॉल्व कर लेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मैथ्स की क्लास है और मैं आपको एज अ टीचर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सिखा रही हूँ और आप उसमें वहाँ पे एक्टिव लर्नर है, आप समझ रहे हैं प्लस कैसे किया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे किया जाता है, तो जब कल आपको मार्केट में कोई सामान लेने जाएंगे, आप मार्केट में गए और आपने शॉपकीपर से बोला कि मुझे पेन दे दीजिए, 20 रुपीज़ का आपका पेन है, आपने उसे 50 रुपीज़ दिए, तो 50 रुपीज़ आपने उसको दिए, 20 का आपका पेन है, तो अगर माइनस करोगे तो यहाँ पे आपके पास 30 रुपीज़ चेंज आएंगे। तो यहाँ पे आपने किस चीज़ का यूज़ किया है? माइनस का। तो बच्चे की क्या यूज़ हुआ है यहाँ पे? क्लासरूम टीचिंग यूज़ हुई है। अगर बच्चे को क्लासरूम में बच्चा माइनस नहीं सीखता तो वो अपनी डेली लाइफ की ये वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता? लेकर जाता, 50 रुपये दिए, 20 का पेन लिया और घर आ जाता, मामा पूछती चेंज का है, तो मुझे तो पता नहीं, मैंने तो दे दिए, क्योंकि उसको माइनस करना ही नहीं आया कि मैंने तो 50 दिए थे, 20 का पेन हुआ तो बचे कितने मेरे पास पैसे। तो इसीलिए ये जो अगर बच्चा क्लासरूम में इफ़ेक्टिव है तो
एक्टिव है तो अपनी जो डेली लाइफ की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है वो खुद सॉल्व कर सकता है। तो इसीलिए बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान कराई जाए जिससे बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर बने। और जो इसमें हमारा थर्ड पॉइंट है जॉन डीवी के अकॉर्डिंग, वो ये है कि बच्चे को इक्वल एजुकेशन प्रदान कराई जाए, इक्वालिटी रखी जाए। अब इक्वालिटी किस रूप में रखी जाए? सामाजिक आर्थिक रूप में, लड़का लड़की के रूप में, मतलब जेंडर। अगर कोई बच्चा किस एक क्लासरूम में 50 बच्चे होते हैं, उन 50 बच्चों में सबकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, सबका सामाजिक स्तर है, सबका आर्थिक स्तर है, सबका डिफरेंट होता है सबका। अगर मैं किसी अच्छी फैमिली से आ रही हूँ, क्या पता दूसरा उतनी अच्छी फैमिली से ना हो, क्या पता कुछ बच्चे मेरे से भी अच्छी फैमिली से हों। तो इसीलिए मेरे पापा की अगर 50,000 तनख्वाह है तो क्या पता किसी के पापा की 1,00,000 तनख्वाह हो, किसी की 20,000 हो, तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में भी डिफरेंस आ गया। तो इसीलिए टीचर को ऐसी एजुकेशन प्रदान करानी चाहिए जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मायने ना रखती हो कि आप ज़्यादा फीस दे रहे हो, आप कम फीस दे रहे हो, फीस तो सब इक्वली पे कर रहे हैं, तो आपको भी इक्वली एजुकेशन बच्चे को देनी चाहिए। इस तरह से नहीं कि आप अच्छी फैमिली से आ रहे हो तो मैं आप पे ज़्यादा ध्यान दूँ कि आप मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो गए, और जो मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं, लो मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं, आप उन पे ज़्यादा ध्यान ना दो, सिर्फ उनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स रखें कि जितना उन्होंने अचीव किया 33% पे पास हो गए, इट्स ओके फॉर यू। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जेंडर में भी किसी भी प्रकार का भिन्नता नहीं रखनी चाहिए कि लड़का है वो आगे जाके अपनी पीढ़ी को बढ़ाएगा या अपने माँ बाप के लिए सहारा बनेगा और उसको अपने समाज में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है तो इसीलिए उसको पढ़ाई कराई जाए, लड़कियों को पढ़ाई ना करवाई जाए। क्यों? दोनों जो है हमारे लिए समाज में इक्वल है, जितना लड़का करता है उतना लड़की करती है। और इसी प्रकार ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे उनके लिए व्यवसायिक रूप में भी विभिन्नता ना पाई जाए। अगर आप ही क्लासरूम टीचिंग में विभिन्नता करेंगे या उसकी नींव ही ऐसी होगी तो आगे भी चल के क्या होगा, इन चीज़ों में विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखे जाएंगे। अगर आपके लिए एक ऑफिस है, मान लीजिए ऑफिस के अंदर एक लड़का या लड़की सेम काम कर रहे हैं, कोई कॉलर ड्रॉपर सेम काम कर रहे हैं, और लेकिन लड़का होने के नाते उसको 20,000 तनख्वाह दी जा रही है और लड़की होने के नाते उसको 10, क्यों? ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या, ये आपको करना ही नहीं है, क्योंकि काम तो दोनों सेम कर रहे हैं, दोनों की पोस्ट भी सेम है और दोनों अपनी मेहनत भी उतनी कर रहे हैं, टाइम भी उतना ही दे रहे हैं, तो एक की 20 क्यों, एक की 10 क्यों? तो इसीलिए इक्वालिटी रखनी चाहिए। जो जॉन डीवी जी ने कहा था, उन्होंने ये पॉइंट्स रखे थे कि तीन जो अपनी प्रयोगशाला में उन्होंने शोध किए थे उसके अंदर बच्चे को एक्टिव लर्नर बताया था, सेकंड प्रॉब्लम सॉल्वर बताया था, थर्ड इज इक्वालिटी रखी थी, ये चीज़ उन्होंने दी थी। इसके बाद आते हैं हमारे जो दार्शनिक थे अल्फर्ड बीने, अल्फर्ड बीने, इन्होंने सबसे पहला बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट का निर्माण किया। बुद्धि परीक्षण का निर्माण पहली बार सबसे पहले किसने किया था? बीने जी ने। इंटेलिजेंट टेस्ट, ठीक है, जिसको 1905 में बीने, साइमन मापनी के नाम से जाने जाने लगा। ओके, जो अल्फर्ड बीने जी ने थे उन्होंने बुद्धि परीक्षण किए थे, इंटेलिजेंट टेस्ट दिए थे, मतलब अब एक तरह से आपका आईक्यू लेवल या मानसिक जो हमारा स्तर है उसके टेस्ट किए थे कि बच्चों में कितना मानसिक स्तर होता है किसके अंदर, ठीक है। 1905 में क्या था, बीने साइमन मापी इसको नाम दिया गया। बीने साइमन मापी किसके द्वारा दिया गया? अल्फर्ड बीने के, वो आपको बीने से ही पता चल जाएगा। कब दिया गया? 1905 में, ये बात रखिएगा। इसके बाद आते हैं हमारे जेम्स, मैकेन कैटल, इन्होंने भी दो पॉइंट रखे थे, फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सेकंड मेंटल टेस्ट। ओके,
इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में आपको पता ही दिया है मैंने कि क्या होता है, और मेंटल टेस्ट के बारे में भी आपको पता है। तो हमारे जो कैटल जी थे, इन्होंने भी इसी पर जोर दिया। इसमें इतना कुछ समझाने वाला है नहीं आपके लिए। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कैटल है, कैटल जी हैं, इनके जो शिष्य थे वो थे ई एल थ्रॉनडाइक, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे दार्शनिक थे, और इससे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो आपका पढ़ रहे हैं ई एल थ्रॉनडाइक, ये आपके कैटल जी के शिष्य थे। इन्होंने जेम्स मैकिन कैटल के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस थे, मेंटल टेस्ट थे, उसको आगे चल के बढ़ाया, और ई एल थ्रॉनडाइक ने अपने भी कुछ जो एक्सपीरियंसेस थे वो किए थे। इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्होंने सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सिद्धांत यानी कि लॉज रखे थे, सीखने के कुछ नियम रखे थे, सीखने के नियम। ई एल थ्रॉनडाइक के अनुसार सीखने के नियमों का प्रतिपादित किया गया था, जिसके अंदर तीन नियम दिए गए थे, जिसमें जो हमारा फर्स्ट नियम था प्रभाव का नियम यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ, सबसे ज़्यादा प्रकाश में आया, क्योंकि उसके अंदर बच्चा क्या है, अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने के लिए सक्षम रहता है। ई एल थ्रॉनडाइक का कहना था कि शिक्षा और सीखना और सिखाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, टीचर पर नहीं, बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि उसकी रुचियाँ क्या हैं, क्या नियम वो लेकर चल रहा है। तो इसीलिए उन्होंने सीखने के यानी लॉ ऑफ लर्निंग में तीन नियम दिए थे, जिसमें प्रभाव का नियम सबसे इम्पॉर्टेंट है, लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसके अंदर बच्चे को समस्या सुलझाने में मदद मिलती है। और 1903 में इनकी एक पुस्तक थी शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान किसकी पुस्तक थी? ई एल थ्रॉनडाइक की। ये भी आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो पुस्तक प्रकाशित की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? ई एल थ्रॉनडाइक के द्वारा। इसके अंदर जो पुस्तक थी, पुस्तक के अंदर क्या बात कही गई थी, क्या इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स रखे थे, इसमें ट्रांसफर ऑफ नॉलेज यानी कि हस्तांतरण, ज्ञान का हस्तांतरण की बात की गई थी, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। मनोविज्ञान जो पुस्तक थी उसके अंदर कहा गया था हस्तांतरण के बारे में यानी कि ट्रांसफर के बारे में। ई एल थ्रॉनडाइक के अनुसार ऐसी शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाए जिससे बच्चा अपने पॉजिटिव जो चीज़ें लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो आगे चल के किसी भी उसमें सीख सके। अब आप क्या इसमें देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बच्चे को मैथ्स पढ़ा रही हूँ और बच्चे को कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, प्लस माइनस के, डिविजिबल के, फैक्टर्स के, तो वो इजीली जब साइंस को पढ़ेगा, साइंस के अंदर जैसे थ्योरम्स वगैरह और इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करने के लिए आती हैं, तो वहाँ पर क्या है, वो उसके लिए हेल्पफुल होगी। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, लर्निंग का ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब आपकी नॉलेज का ट्रांसफ़र हो रहा है कि आपने मैथ्स के इक्वेशंस को प्लस साइंस, मैथ्स के इक्वेशंस को साइंस में पॉजिटिव वे में ट्रांसफ़र किया। इसका लेकिन एक रूल ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज तभी अच्छे से हो सकती है जब सामान्य तथ्य यानी कि एलिमेंट्स आपके सामान्य हो। मतलब अगर आपके दोनों सब्जेक्ट ही अलग अलग है, अब मान लीजिए मैंने किसी बच्चे को मैथ्स पढ़ाया है, नहीं फॉर एग्जांपल साइंस पढ़ाई है, तो साइंस पढ़ने के बाद मैं बच्चे को हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, तो वो तो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हो गए ना, साइंस और हिस्ट्री का तो कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ पे उनकी कोई प्रीवियस जो नॉलेज है उसका ट्रांसफ़र हो पाएगा नए सब्जेक्ट के लिए? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा?
साइंस में जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसका हिस्ट्री में आप कैसे ट्रांसफर करोगे? दोनों सब्जेक्ट्स बिल्कुल अलग है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, आपके नेगेटिव ट्रांसफर होगा, वहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का आपको पॉजिटिव ट्रांसफर नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों में कोई समानता नहीं है। लेकिन जहाँ पर समानता है, जैसे मैथ्स और साइंस में समानता है थ्योरम्स या इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पे क्या है, बच्चे की मैथ्स की जो नॉलेज है, जो इक्वेशन सॉल्व करने की नॉलेज है, वो आपकी साइंस में पॉजिटिव वे में ट्रांसफ़र हो रही है। तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज हमारी किस में रखती थी, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर रखी थी। अच्छा, ईएल थ्रॉनडाइक ने जो औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत दिया गया था ना, उसका हनन किया था, उसका विरोध किया था कि इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं होती है। तो इसीलिए इन्होंने अपना एक नियम दिया था। अपना एक नियम क्या दिया था ईएल थ्रॉनडाइक ने, ईएल थ्रॉनडाइक ने औपचारिक अनुशासन के सिद्धांत का हनन करते हुए एक अपना नियम दिया था, CAVD। सी फॉर पूर्ति कंप्लीशन, ए फॉर अंकगणित अर्थमेटिक रीजनिंग, वी फॉर शब्द वाली यानी कि वोकैबुलरी, डी फॉर दिशा यानी कि डायरेक्शन। CAVD किसके द्वारा दिया गया है, ये एक तरह का परीक्षण है, ये हमारा ईएल थ्रॉनडाइक के द्वारा दिया गया है। इसके बाद हमारे आते हैं जो नेक्स्ट हमारे दार्शनिक थे, वो थे BF स्कीनर। इम्पॉर्टेंट है ये भी, BF स्कीनर, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने थ्रॉनडाइक का सपोर्ट किया था, BF स्कीनर जी ने जो नियम सीखने के नियम उन्होंने दिए थे उसका आगे चल के यूज़ किया था, उसको सपोर्ट किया था, लेकिन इन्होंने अपना एक व्यवहार परक उपागम दिया था, मीन्स बिहेवियर बिहेवियर अप्रोच। इसके अंदर उन्होंने क्या कहा था कि बच्चों के अधिकम यानी कि लर्निंग के लिए उत्तम अवस्थाओं की पहचान करना, जो हमारा व्यवहार परक उपागम है BF स्कीनर के द्वारा दिया गया, उसके अंदर ये कहा था कि जब हम लर्निंग कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ ऐसे चीज़ों का पता लगाना, ऐसे अवस्थाओं का पता लगाना, ताकि बच्चे को हम अच्छे से समझते हुए उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए किसी प्रकार की भी शिक्षा उनको प्रदान कर सके। इसके बाद इन्होंने प्रोग्राम लर्निंग यानी कि कार्यक्रमित अधिकम, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में कि प्रोग्राम लर्निंग आपको किसके द्वारा दी गई है। ये हमारी BF स्कीनर के द्वारा दी गई है। अब इसके अंदर क्या कहा गया था, कार्यक्रमित अधिकम जो है हमारा, प्रोग्राम लर्निंग जो है, उसके अंदर कहा गया था कि बच्चे का जो एक लक्ष्य होता है, जो एक गोल है, जो एक लक्ष्य है, उसके बीच में जितने उपलक्ष्य आते हैं, मतलब जितने पायदान आते हैं, जितनी सीढ़ियां आती हैं, उन पर बच्चे को पुनर्वलन या रेनफोर्समेंट दिया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारा इसको पढ़ाने का, मनोविज्ञान को पढ़ाने का एक उपलक्ष्य है कि आपको टीचर की जॉब मिल जाए, लेकिन उसके बीच के उपलक्ष्य क्या हैं आपके, कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें, आपको टीचर की जॉब गवर्नमेंट तभी तो मिलेगी जब आप एग्ज़ाम में जब पेपर देने जाएंगे DSSB का, KVS का, तो आप उसमें मार्क्स अच्छे स्कोर करें, तो आपका फर्स्ट जो हमारे सब ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं,
कि पहले मार्क्स अचीव करना, उसके बाद इंटरव्यू और बाकी के प्रोसेस हैं, लेकिन आपके जो सब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मार्क्स अचीव करना, इंटरव्यू क्रैक करना, देन आपका लक्ष्य अचीव होगा कि टीचर बनना। तो उसके लिए आपको टाइम टाइम पर रिइंफोर्समेंट दिया जाना चाहिए। बच्चे ने जब फर्स्ट स्टेप क्लियर किया, फर्स्ट लक्ष्य प्राप्त किया, उपलक्ष्य, तो आपको टीचर के द्वारा रेनफोर्समेंट दिया जाना चाहिए ताकि बच्चा सेकेंड स्टेप तक जाने के लिए मोटिवेटेड हो, इनकरेज हो। अगर बच्चे को फर्स्ट स्टेप क्लियर करने के बाद कोई मोटिवेशन के लिए कोई रेनफोर्समेंट नहीं दिया जाता, उसकी शाबाशी नहीं की जाती है, तो बच्चा सेकेंड स्टेप पे जाने के लिए मोटिवेट ही नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में अगर आपने 10 बच्चों को 2 का पहाड़ा लर्न करने के लिए कहा कि 2 की टेबल लेकर लर्न करके आइएगा, और आपको क्लास में एक बच्चे को खड़ा किया, उसने आपको 2 की टेबल नहीं सुनाई क्योंकि उसको लर्न नहीं है, कोई बात नहीं, आपने उसको बिठा दिया। लेकिन जब आपने सेकंड बच्चे को खड़ा किया और आपने कहा कि आप 2 की टेबल सुनाइए, और उसने प्रॉपर ढंग से बिल्कुल बिना रुके टुके आपको 2 की टेबल सुना दी, तो आपका क्या काम बनता है वहाँ पे? आपको उसी टाइम उसको रेनफोर्समेंट देना चाहिए। उसके लिए या तो क्लासरूम में सबसे तालियां बजवानी चाहिए, या उसको बोलना चाहिए शाबाश, बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा सुनाया, नेक्स्ट टाइम आपको और अच्छा करना। और उसी को देखते हुए जो बाकी बच्चे हैं वो भी क्या है, मोटिवेट होंगे कि आज इसने अच्छा सुनाया है, इसको इतनी शाबाशी मिली है, क्लासरूम में सबने इसके लिए क्लैपिंग करी है, तो मैं भी कल 2 की टेबल लर्न करके लाऊंगा ताकि मेरे लिए भी शाबाशी हो, मुझे भी सबके लिए मैडम की नज़रों में अच्छा बनूं, मैडम मुझे प्यार करें, या क्लासरूम में मेरे लिए भी क्लैपिंग हो। तो इसीलिए रेनफोर्समेंट पर जोर दिया गया था कि रेनफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है और हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचाने के लिए। इसी के साथ साथ जब बीएफ स्कीनर ने स्टार्टिंग में अपने प्रयोग करने स्टार्ट किए थे, तो इन्होंने एक मशीन का निर्माण किया था। जैसे अभी टीचर के द्वारा डायरेक्ट वे में आपको रेनफोर्समेंट दिया जाता है, वैसे ही इन्होंने एक मशीन का निर्माण किया था जिसके अंदर क्या किया गया था कि आप कोई चीज़ बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वहाँ एक ऐसी मशीन क्रिएट की गई थी कि वहाँ से ऑटोमेटिकली आपके लिए रेनफोर्समेंट दिया जाता था, लेकिन वो टाइम के साथ जो था इतनी सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो इसीलिए वो वहीं पर ख़त्म होकर रह गई। इसके बाद आते हैं हमारे ब्लूम। इन्होंने 1950 में संज्ञात्मक कौशल यानी कि कॉग्निटिव स्किल्स के बारे में कहा था। 1950 में संज्ञानात्मक कौशलों पर बल दिया था, यानी कि कॉग्निटिव स्किल्स पर बल दिया था। और इसी का वर्गीकरण करते हुए, यानी कि बच्चे का कॉग्निटिव स्किल्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए एज अ टीचर, कि बच्चे का मेंटल लेवल कितना है, वो किस रूप में सीख पाता है, वो एक्टिव लर्नर है कि पैसिव, उसके अंदर कोई टैलेंट है नहीं है, वो क्रिएटिव है नहीं है, इस तरह की चीज़ें क्या हैं ब्लूम के द्वारा 1950 में संज्ञात्मक कौशल यानी कि कॉग्निटिव स्किल्स के अंदर रखी गई थी। और इसको वर्गीकरण करने के बाद उन्होंने कुछ की पॉइंट्स दिए थे जिसकी शिक्षकों को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चे को प्रॉपर ढंग से जानने के लिए, जिसमें पहला था हमारा सिमरण, सेकेंड था हमारा बोध, थर्ड था हमारा संश्लेषण, और फोर्थ था हमारा मूल्यांकन। ब्लूम जी ने क्या कहा था कि ये जो चार संज्ञात्मक कौशल है, एज अ टीचर आपको बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें खुद भी पता होनी चाहिए कि स्मरण क्या होता है, बोध क्या होता है, संश्लेषण क्या होता है, और मूल्यांकन क्या होता है। अगर आपको इन सब का ज्ञान है तो आप क्लासरूम में भी बच्चों का स्मरण, बोध, संश्लेषण और मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे, जिससे आपने बच्चे को जो भी पढ़ाया है आपको पता हो कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना उसके दिमाग में है,
कितना दिमाग से बाहर निकल गया जब आप लास्ट में उसमें उसका मूल्यांकन करेंगे, या आपको पता चलेगा कि बच्चा उसको सीखने में किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम उसको कुछ और चेंज करके इफेक्टिव बना के इस प्रकार से पढ़ाएं, या बच्चे को पर्सनली टीच करें जिससे बच्चा उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ये सारे क्या है, हमारे ब्लूम के 1950 संज्ञात्मक कौशल के अंदर रखे गए थे। इन्होंने शिक्षकों के कौशल पर बल डाला था। अब इसके बाद क्या हुआ था, ये सारे जो भी दार्शनिकों के बारे में मैंने आपको अब तक बताया कि इन सभी ने अपने अपने प्रयोगों में ये कहा कि ये चीज़ें करने में, 1950 के बाद इससे भी अलग जो हमारी मनोविज्ञान की परिभाषा रही या मनोविज्ञान की शिक्षा के साथ संबंध रहा उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव हो गई। केवल सीखना सिखाने की प्रक्रिया नहीं रही कि आपको सिर्फ ज्ञान का प्रदान करना है और बच्चे को ज्ञान का निवारण करना है, नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मनोविज्ञान में यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में रखी गई थी। वो क्या क्या चीज़ें थी, वो थी आपका मानसिक स्वास्थ्य कि बच्चा मेंटली कितना हेल्पफुल है कितना नहीं, हेल्थ उसकी कैसी है, सामाजिक कुसमायोजन, अगर समाज में समायोजन के दौरान अगर बच्चा किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है या किसी गलत रास्ते पर चला गया है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका विद्यार्थी किस दिशा में जा रहा है और आपको उसमें किस प्रकार के चेंजेस करने हैं ताकि वो सही रास्ते पर आ सके। शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन, मतलब आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवाना, एजुकेशन और वोकेशनल, ताकि बच्चा अपना आगे व्यावसायिक चुनने में भी हेल्प कर सके, उसको पता रह सके कि मुझे आर्ट्स साइड लेनी है, कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, क्यों लेनी है, किस लिए ले रही है और इससे आगे के क्या क्या स्कोप ओपन होंगे जिससे मैं अपना भविष्य में अच्छा कर सकूँ। तथा मापन और मूल्यांकन, लास्ट था हमारा मापन और मूल्यांकन, लास्ट में जाके बच्चा क्या है खुद भी और एज अ टीचर आपको भी पता चल सके जिसकी नींव आपने प्राइमरी क्लास में रखी थी अब जाके फ्यूचर में वो कहाँ पर किस स्तर पर है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास में आती हैं। और मैंने आपको सभी के द्वारा दी गई सारी परिभाषाएँ, सारे प्रयोग, सारे की पॉइंट्स बता दिए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।